बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोग होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करूँ कि हम सब पर अल्लाह पाक का फजल करम यूँ ही बना रहे। आज गाइस बहुत ज़्यादा स्मोक छाई हुई है, आप लोगों को नज़र आ रही है। सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं अभी भी फ्रेश होकर जा रहा हूँ, बट सर्दी नहीं है लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा है। आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी, ये रोड है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और फ्रंट का सीन भी आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ये देखें, ये स्ट्रीट व्यू है, सारा का सारा स्मोक छाया हुआ है आज। एंड देन मैं सुबह सुबह थोड़ा ऑयल चाहिए था वो लेके जा रहा हूँ अपनी साइड पे। सबसे पहले चलते हैं होटल पे, मैंने नाश्ता करना है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। रात को भी मैंने मतलब हल्का फुल्का खाया था, अभी भूख लग रही है। पहले होटल पर चलते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके बाद फिर जाएंगे अपनी साइड पे। नाश्ता करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर पहुंच चुका हूं, यहां पर काम चल रहा है, मशीन भी आपको पीछे नज़र आ रही है। अभी आज सिर्फ दो कॉलम भरने हैं, आज जुमे का दिन है। भरने के बाद फ्रेश हो जाएंगे, हाथ हो के मतलब जुमा नमाज़ पढ़ेंगे, जुमा नमाज़ अदा करने के बाद फिर तकरीबन देखेंगे, थोड़ा बहुत काम होगा तो करेंगे। अभी काम पर लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं सेहत भाई, ये भी मेरे साथ उस साइड पे होते हैं। और ये आपको नज़र आ रहे हैं, खुद ही बताना अपना नाम। अली जी बताओ। अली 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 भाई। और ये आपको नज़र आ रहे हैं सोए पड़े हैं हमारे सीनियर ऑपरेटर साहब जफर भाई। ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट किया था पर वहाँ पर शूट करने का टाइम नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं अपनी साइड पर आकर आप लोगों से चंद बातें शेयर कर लेता हूँ। बट वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से वैसे शूट तो कर सकता हूँ, बट काम ऐसा होता है लिफ्ट का, वहाँ पर एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब वैसे होता फ्री हूँ बैठा रहता हूँ, बट एक्टिव रहना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदगी का नहीं बल्कि ज़िंदगियों का मसला होता है, क्योंकि लिफ्ट पर बंदे सवार होते हैं और उनका ख्याल रखना होता है, उनको ठीक जगह उतारना होता है और फिर नीचे ले आना होता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से वहाँ का मतलब ठीक से सीन नहीं शेयर कर पा रहा। अभी ऊपर जो है ना आप लोगों को बताता हूँ, मैंने दिखाई थी कि शटरिंग लग रही है, पर ये नहीं दिखाया था कि शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर अब शटरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, सारा सीन नज़र आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद ऊपर चलते हैं और ये सारा सरिया जो आया था उस दिन, तो वो भी सारा जो है ना ऊपर लग चुका है, मतलब छत तो फाइनल हो चुकी है। अभी कुछ मज़दूर चढ़े हुए हैं ऊपर और उनमें जो है ना गटियाँ लगा रहे हैं ताकि परसों भराई की जाए, भराई के लिए तैयार हो सके। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर का सीन देखते हैं क्या हो रहा है। तो डियर गाइस, मैं ऊपर पहुंच चुका हूं छत के, ये जहद भाई, अली भाई और अदनान भाई, अहमद भाई लगे हुए हैं। अहमद भाई और अदनान भाई गटियां लगा रहे हैं, ये इनको कंपनी देने के लिए यहां पर आए हुए हैं। आप ये बताओ कि आप अदनान भाई लोगों को कंपनी देने के लिए आए हो, गपशप लगा रहे हैं, वैसे क्या बात चल रही थी, क्या बात चल रही है? हाँ क्या कह रहे थे अदनान भाई, क्या कह रहे थे? अदनान भाई अच्छा बंदा नहीं है ना, धोखा दिया ना, धोखा दिया ना, धोखेबाज है ना। अच्छा अली भाई, अली भाई से पूछते हैं, अली भाई का अदनान भाई के बारे में क्या कहना है? मेरे आने से पहले यहाँ पर बहुत मतलब इनके दरमियान तकरार चल रही थी, मैं जब भी जूँ ही ऊपर आया तो मतलब अदनान भाई, अली भाई और ये सब ना चुप हो गया। अली भाई से पूछते हैं कि क्या बात चल रही थी, अली भाई क्या बात चल रही थी? अली भाई बंदा ठीक नहीं है अदनान ना? हाँ बहुत चवल आदमी है, चवल आदमी है ना। हाँ। ये धोखा देता है, ब्रा के नाम पर ये कलंक है, कलंक है। हाँ। मतलब भाई के नाम पर कलंक है। हाँ 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 डियर व्यूअर्स, कलंक है, कलंक क्या होता है? तवे का पिछला पासा, मतलब के जो जिससे रोटियां बनाई जाती हैं वही तवा ना। अदनान भाई जरा इधर है, आप ना जुड़ जाए। ये अदनान भाई हैं, ये अदनान भाई हैं। अभी अदनान भाई से पूछते हैं कि
अली भाई और जहद भाई को क्यों नाराज़ किया, उनसे क्यों झगड़ा कर रहे थे, तो अदनान भाई से पूछते हैं। अदनान भाई बताओ। यस ओके। अच्छा, ये मुझसे मोबाइल मांग रहे थे। अच्छा ठीक है। मेरी घर से काला है इसलिए मैंने इनको मोबाइल नहीं किया। अच्छा, यानी आपकी कॉल आ रही थी तो आपने जो है ना इसलिए मोबाइल नहीं दिया इनको और इसलिए ये आपसे जो है ना झगड़ा कर रहे थे। अली भाई यही बात है। हाँ यही बात है। यानी आपको इस पर यकीन था बहुत ज़्यादा और आपने इससे मोबाइल मांगा, इसने मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल प्यारा कर लिया भाई, इसे मोबाइल प्यारा कर लिया। अदनान भाई ऐसी बात है, सच सच बताओ। सौ चवल मरता है तो एक ये पैदा होता है। क्या होता है? सौ चवल मरता है ये एक पैदा होता है। अदनान भाई ऐसे। हाँ क्या देखें। अली नहीं देनी, बात ही नहीं सुननी इसकी। इसने मोबाइल प्यारा किया ना, आज नहीं बात सुननी इसकी। नहीं अली नहीं। फोन तो चुकी है। नहीं चुकी, नहीं देती नहीं। मैं कैमरा गवा है। अजय मुंह नहीं लगा अली, मुंह नहीं लगना चाहिए, मनना ही नहीं, भाई बनाना ही नहीं। आप जहद तू की कर रहे हैं, दोस्त ने छुड़ा अपने नू। नहीं नहीं गिर जाओगे, गिराना नहीं है। मनाना है या गिराना है यार, उसे सट लग जाएगी। छोड़ यार। अली तू भी ले ले। अली तू भी ले ले अब भाई की। यार छोड़ यार। यार वो कह रहा है यार इतने दिल से। गले लगो। स्क्रैप आंग तेरा मुंह है। कैसा मुंह है इसका? पुरानी स्क्रैप आंग है। ओए तेरा मुंह पुरानी स्क्रैप आंग है। मुंह में जिवें कट्टी कौली दा हुंदा है। असी पीलू जरा देख। हां कैसे मुंह में जिवें कट्टी कौली हुंदी है। लाग लाग का यार, मुंह में जिवें कट्टी कौली दा हुंदा है। कहनी एक चुम्मी दी गुंजाइश है ना दे विच। ये मैं नहीं कहूंगा। अली तू बोल क्या बोल रहा है ये? खुदा खुदा करके इन तीनों भाइयों का फिर जो है ना मिलाप हो गया। अभी तीनों मान गए व्यूअर्स के सामने जो ना। जफ्फी डाल के दिखाओ, सारे जफ्फी डालो, भाइयों वाली जफ्फी। आप भी डालो जैद भाई। ये क्या कर रहे हो? ये क्या था जब कौन भी चल रहा होता है यार। जब डाल के दिखा। ये तो भाई ठरक बोल रहा है ना। ये तू जब फिर डाल के दिखा। तू जब डाल के ऐसे जफ्फी ये देख ऐसे ऐसे जफ्फी डालते हैं तू। व्यूअर्स ये पागल हो चुके हैं। बहुत मज़ा आया। रात हो चुकी है पर आपको सारा जो है ना सरिया नज़र आ रहा है। ये सारा सरिया जो है ना बंध चुका है ऊपर। अभी इनमें जो है ना गट्टियाँ लगाई जा रही हैं। मैं आप लोगों को गट्टियाँ दिखाता हूँ। आप लोगों को शायद समझ नहीं आए, ये सीमेंट वगैरह की बनी होती हैं ये, ताकि सरिया जो है ना प्लेट के साथ नहीं जुड़े और उसमें कंक्रीट ठीक तरीके से हो सके। तो वो लगाई जा रही हैं यहाँ पर। अदनान भाई और अहमद भाई लगा रहे हैं। दो बंदे कंपनी देने आए थे झगड़ के, वो अपना मतलब गुस्सा ठंडा करने के लिए आए थे। अभी अल्लाह का शुक्र है वो तीनों का जो है ना मिलाप करा दिया है। अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट परवेज़ हुसैन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। गाइस उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह निगहबान।